आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला एक ऐसे रोम के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर यानी कि फुल्ली सिक्योर रोम मिल जाती है। गूगल की सर्विसेज का कोई लेना देना नहीं इस रोम में, लेकिन फिर भी आपको प्ले स्टोर के एप्लीकेशन चाहिए, प्ले स्टोर में जो देखने को मिलते हैं तो उसका भी आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। ये रोम की अगर बात करें तो ये है क्लैक्स OS रोम और ये है पोको F1 के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं क्या कुछ मिलने वाला है। इसका ये फर्स्ट बिल्ड है एंड्रॉयड 13 के ऊपर, तब कौन सा फीचर या बग मिलते हैं और किस तरीके की रोम रहने वाली है उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला। तो काफ़ी लोग को सिक्योर रोम चाहिए तो ये जो है सबसे सिक्योर रोम आपको देखने को मिल जाती है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड रोम आती है, मैं डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल किया हूँ और इंस्टॉलेशन सेम रहेगा। सिस्टम EXT रोम है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे रिकवरी भी मिल जाएगी सिस्टम EXT की, तो वही यूज़ करना है। बाकी इंस्टॉलेशन फॉलो कर लेना, सेम इंस्टॉलेशन रहेगा। अगर आपको इनक्रिप्टेड ही यूज़ करना है तो डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन को फ्लश मत करना, रोम फ्लश करना, सिंपली फॉर्मेट करके रिबूट कर देना है, बस इतना ही आपको यहाँ पे करना है, बाकी इंस्टॉलेशन आप फॉलो कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें बाकी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अबाउट फोन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन मिलता है 13, हालांकि फिर भी आपको बता दूँ यहाँ पे कोई भी गूगल का सर्विस का है यहाँ पे एक्सेस नहीं है इसके अंदर। बाकी क्लैक्स OS वर्जन मिल जाता है 4.6.0 का। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच फरवरी 2023 का, यहीं पे कर्नल भी अभी है दिसंबर 2020 का और दिसंबर 2020 का वेंडर भी है, फर्मवेयर भी 2020 का दिसंबर का मिल जाता है। एंड कर्नल इसके अंदर आप देखोगे तो 4.19 बेस्ड आपको देखने को कर्नल मिल जाता है और बिल्ड नंबर नीचे देखने को आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके गूगल की सर्विस के बारे में, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसे तो कहीं पे नहीं मिलता है, गूगल का प्ले स्टोर ये सब देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पे माइक्रो जी आपको मिल जाता है इसके अंदर में, जिसके अंदर आप एक्सेस कर सकते हो गूगल का अकाउंट अगर आपको यूज़ करना है तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है अगर आप यूज़ करना चाहो तो। यहाँ पे सेफ्टी नेट के लिए भी दिया गया था, यहाँ से ऑन कर सकते हो एप्लीकेशन जो भी यहाँ पे शो करेंगे आपके, अगर बैंकिंग अभी कुछ यूज़ करते हो तो यहाँ पे शो करेंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए प्ले स्टोर वाली तो एरोरा स्टोर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है इस रोम के अंदर में, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो बिना आईडी लॉगिन के आपको कुछ भी आईडी लॉगिन नहीं करना, फिर भी आपको गूगल प्ले स्टोर के जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सभी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, या फिर आप सर्च कर सकते हो और सिंपल इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ भी लॉगिन नहीं करना, आईडी ओडी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करो और इंस्टॉल कर लो। जब ओपन करोगे इस ऐप को तो कुछ परमिशन मांगता है, वो परमिशन दे देनी है सिंपली, और लॉगिन नहीं करना है। अनोइंग वाला एक आता है उसको सिंपली सेलेक्ट करना है, गूगल सेलेक्ट नहीं करना। और जैसे कि देखिए इस तरीके से इंस्टॉल आप कर सकते हो, इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल करने का। और एक और आपको एंड्रॉइड दिया गया है, यहाँ से आप चाहो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कैटेगरीज आपको अलग अलग मिल जाती है यहाँ पे, इसका जो है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये कुछ ऑप्शंस एप्लीकेशन और मिलते हैं इसके साथ, जब रोम इंस्टॉल करोगे उसी टाइम आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इंस्टॉल करने के लिए। VPN आपको 2 से 3 इसके अंदर मिलते हैं, तो VPN भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा और काफ़ी सिक्योर ये रोम रहने वाली है। इसमें देखोगे अलग अलग टाइप के VPN आपको मिल जाते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंगल रखना है एक को रख के बाकी को डिलीट करना चाहो तो आप इंस्टॉल भी कर पाओगे। कैमरा अपर्चर का बाय डिफॉल्ट इसके साथ आता है तो प्री इंस्टॉल कैमरा अपर्चर रहेगा। बाकी गूगल कैमरा आप मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो इसके अंदर में, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, मैनुअली आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे क्रोमियम वाला ये मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी गूगल इंस्टॉल करने का नहीं है फिलहाल, आपको नहीं मिलेगा। और फिर यहाँ पे नीचे टोर ब्राउज़र भी दिया गया था, अलग अलग ब्राउज़र दिए गए हैं जो कि काफ़ी सिक्योर हैं, VPN के साथ में ही आते हैं तो दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे, सिक्योरिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। एंड फायरवॉल जो दिया गया है, यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन का इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो पूरी तरीके से, यानी कि फुल कंट्रोल आपको यहाँ पे सभी एप्लीकेशन का मिल जाएगा, तो उसको डायरेक्ट यहाँ से हटा सकते हो, इंटरनेट एक्सेस बंद कर दो। NFM काम करता है इसके अंदर, गैलरी नॉर्मली मिलती है इसके अंदर, बट गूगल अगर गैलरी अगर इंस्टॉल भी करते हो गूगल फोटो अनलिमिटेड स्टोरेज के अंदर वैसे नहीं मिलता, इसी चीज़ें बता दे रहा हूँ। बाकी मेल के लिए आपको ये मिल जाता है, यहाँ से आप मेल वेल यूज़ करना चाहो तो इसके थ्रू आप मेल यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे आपको कंट्रोल दिया गया है जिसमें आप इस एप्लीकेशन को जब ओपन करोगे तो योर डाटा योर चॉइस टैग कंट्रोल इस तरीके का देखने को मिलेगा, तो सिंपली सेटअप आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना, फुल आपका कंट्रोल यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखने को ये मिलता है, यहाँ से आपका फुल कंट्रोल आपका रहेगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना वहाँ पे उसके अंदर सेटिंग्स जो भी है। एंड फिर नीचे यहाँ पे आपको और भी एप्लीकेशन देखने को मिलती है, तो PDF के लिए दिया गया था तो PDF के लिए भी मिल जाएगा। और ये एक और आपको यहाँ पे और बोर्ड का ये जो है VPN का देखने को मिलेगा, तो अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं इसके अंदर में, तो VPN के जो भी आप रखना चाहो तो एक रख लेना, बाकी अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं कि अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे, कर सकते हो।
एंड कॉलिंग की बात करें तो वोल्टी इसके अंदर हालांकि काम करता है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको बता रहा है ये एक नोटिस यहाँ पे दे देता है कि आपका लोकेशन एंड ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो कॉल की अगर बात करें तो वो आपका यहाँ पे प्राइवेट नहीं है फिलहाल, यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। बाकी वोल्टी काम करता है, कैरेट वीडियो कॉल का बग है, वाईफाई कॉलिंग काम करता है, बस सेटिंग्स इनेबल कर लेना, प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग इसके अंदर जो दिया गया है वो आपका ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, मैनुअली आपको इनेबल डिसेबल करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस, मीडिया और कॉलिंग दोनों पर ही अच्छे तरीके से काम कर, उनमें प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर में मैसेज के लिए भी आपको यहाँ पे जो है सिग्नल ऐप दिया गया, जिसमें आपका पूरा सिक्योर इंक्रिप्टेड रहने वाला है और कॉन्टैक्ट का ऐप या फिर मिल ही जाता है। बाकी इसके अंदर में आपका जैसे कि बताया एप्लीकेशन के मामले में या फिर बाकी पूरी की पूरी रोम आपकी फुल्ली सिक्योर मिल जाती है। स्क्रैम्बल्ड भी दिया गया, जिससे आपकी कोई भी पिक्चर या वीडियोज़ हैं उनकी लोकेशन को रिमूव करेगा ये, तो ये कुछ चीज़ें भी आपको इसके अंदर दी गई हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, जो आप यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। इस तरीके की रोम में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि टाइल्स में आपको इंटरनेट यहाँ पे मिल जाएगा, ब्लूटूथ का नॉर्मल ही है, ऑटो ब्राइटनेस का आइकन नहीं मिलता, एडवांस रिस्टार्ट देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर, नॉर्मल है रिस्टार्ट का। और यहाँ पे बाकी के टाइल्स देखोगे तो मिल जाते हैं, ये कुछ टाइल्स हैं। पैनिक ट्रिगर भी मिल जाता है, जैसे कि पैनिक ट्रिगर में एप्लीकेशन आपके जो शो करते हैं या फिर ऐड करना चाहो ऐड कर पाओगे, तो ये भी मैं यहाँ पे ड्रैग करके ऐड कर ली, इसको आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे ये सभी एप्लीकेशन है जिनमें एग्जिट लिखा है, किसी में हाइड का, तो ट्रिगर जब करोगे तो सिंपली ये एग्जिट वाले एग्जिट होंगे, और हाइड वाले जो हैं आपकी एप्लीकेशन हाइड हो जाएंगे, या इंस्टॉल भी आप सेट कर सकते हो। पावर मेन्यू पे भी ट्रिगर का आपका ऐड हो जाएगा, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा, या फिर टॉगल के थ्रू भी टैप करके सिंपली आप एक्टिव कर सकते हो, लेकिन वापस स्क्रीन पे टैप करोगे तो कैंसिल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करने वाला है, जो कि एंड्रॉइड 13 में कुछ कुछ रोम में ऐड हुआ था बाकी रोम्स में, बट अभी काम नहीं करा उनका। यहाँ पे वही कॉल स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपका फिलहाल यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, लैग बिल्कुल ना के बराबर ही रहता है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लेकर के ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल नहीं रहेगा, अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। वॉल्यूम पैनल यहाँ पे एक्सपेंड नहीं होता, लेकिन कुछ इस तरीके से रहेगा और स्मूथ रहता है। और ऐप ओपनिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऐप ओपनिंग में भी वैसे आपको लैग नहीं मिलता, काफ़ी अच्छा है ऐप ओपनिंग, यहाँ पे स्मूथ मिल जाता है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन रीसेंट पे तो मिलता है, बट आपको थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट वो देखने को इसके अंदर में नहीं मिलता। लेकिन अगर आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करते हो तो हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे तरीके से काम कर जाता है, स्प्लिट स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। और साइड में जो क्लियर रोल का बटन है वो देखने को इसके अंदर में मिल जाता है, यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम सेटिंग की बात करें तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर सिम में जाता हो तो प्रेफर्ड नेटवर्क आपको 3G और 4G का मिलेगा, एंड वाईफाई कॉलिंग इनेबल कर लेना, काम करता है इसका। हॉटस्पॉट एंड थ्रेटिंग की बात करें तो हॉटस्पॉट में दिक्कत नहीं है, हॉटस्पॉट आप यूज़ कर पाओगे इसके अंदर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। VPN है, प्राइवेट DNS मिल जाता है नॉर्मली, चेकिंग कनेक्टिविटी चेक मिल जाएगा, वहीं कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर ब्लूटूथ टाइम आउट मिल जाता है यहाँ पे, और कनेक्शन प्रेफरेंसेस के अंदर में आपको यहाँ पे कास्ट मिलता है, जो कि काम कर रहा है, कास्ट का यूज़ आप कर पाओगे इसके अंदर में। और अगर ऐप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है डिफ़ॉल्ट ऐप्स में जो है इसका लॉन्चर मिलता है क्विक स्टेप वाला, जो कि नॉर्मल सेटिंग्स है, सिर्फ सिंपल सी सेटिंग्स मिलती है। एंड नोटिफिकेशन बाकी रोम्स के जरिए जैसे एंड्रॉइड 13 में देखते हो उसी तरीके से रहेगा, पूरा नॉर्मल है। बैटरी के अंदर आपको थर्मल प्रोफाइल यहाँ पे मिल जाता है, तो आप यहाँ से जो है प्रोफाइल चेंज कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन की। बाकी बैटरी यूजर्स जो है नॉर्मल ग्राफ इस तरीके से मिल जाता है, एंड बैटरी सेवर मिल जाता है, बैटरी मैनेजर भी है, बैटरी परसेंटेज भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 87% तक जो है देखने को हमें यहाँ पर बैटरी भी मिल जाता है, तो बैटरी भी थोड़ी सी अच्छी रहने वाली यहाँ पर। और अगर हम साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे फ़ोन रिंगटोन ओल्ड स्टाइल में मिलता है, लेकिन मीडिया पूरी तरीके से लेटेस्ट लेआउट के साथ रहेगा, लेकिन बाकियों की तरह जैसे लेटेस्ट में अभी जो है वॉल्यूम स्लाइडर जो मीडिया भी मिलता है वो लैग करता है, तो इसके अंदर भी वो आपका मीडिया वाला जो वॉल्यूम स्लाइडर इसके अंदर जो यहाँ पे मिल रही है वाला, तो आप देखोगे तो यहाँ पे स्लाइड करने पे थोड़ा लैग ये करता है, सभी में करता है, यहाँ पे भी ये जो है लैग करता है। बाकी मीडिया आपका अच्छे से काम कर रहा है, और वाइब्रेशन हैप्टिक में कोई दिक्कत नहीं रहता, ये काम करता है अच्छे तरीके से। और बाकी के जो साउंड के ऑप्शन है यहाँ पे मिल जाएंगे, नीचे डायरेक्ट साउंड दिया गया, जिसमें आपको लेटेस्ट प्रीसेट्स तो नहीं मिलता, बट डायरेक्ट साउंड आपका काम कर रहा है, डायरेक्ट साउंड को यूज़ आप कर पाओगे। डिस्प्ले के अंदर में फिर यहाँ पे लॉक स्क्रीन मिल जाएगा, जिसमें डबल लाइन क्लॉक है, एंड बैक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन है, डार्क थीम मिल जाता है, और यहाँ पे जो है आपका लोकेशन ऑफ रहता है, तो आप ऑन करना चाहो तो ऑन कर लेना, ताकि सनसेट सनराइज़ का जो है यहाँ पे टाइम ये एडजस्ट कर ले अपने हिसाब से, दिक्कत ना हो तो उसके लिए है ये। बाकी आपका फॉन्ट्स मिल जाएगा, आइकन सेप यहाँ पे 4 से 5 देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें भी हैं। लाइव डिस्प्ले मिल जाता है, ये काम कर रहा है, रोटेशन नॉर्मल है सिंपल सा, टैप टू वैक, टैप टू स्लीप आपको नीचे मिल जाता है। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर हालांकि यहाँ पे देखोगे तो आपको थीम्ड आइकन मिल जाएगा, ऐप ग्रिड यहाँ पे काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, तो ये ऐप ग्रिड रहेंगे, और वॉलपेपर कलर बेसिक कलर है, और लाइव वॉलपेपर भी एक इसके अंदर दिया गया कुछ इस तरीके का मिलता है। एंड यहाँ पे ये कुछ वॉलपेपर हैं जो कि इसके खुद के यहाँ पे मिल जाते हैं, डिफ़ॉल्ट सेट जो है वही रहेगा। एसेबिलिटी के अंदर एक्स्ट्रा डिम मिल जाता है,
और अब सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी के अंदर में ही आपको ऐसे यहाँ पे आपको पैनिक के लिए देखने को मिलेगा, जिसको 100 पैनिक ऑप्शन इनेबल करते ही आपके पावर मेन्यू पे भी देखने को मिलेगा। तब देखोगे तो पावर मेन्यू पे भी जो है पैनिक वाला शो करने लगा, और इसके बारे में तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी एप्लीकेशन है जिनको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और नीचे फिर स्क्रीन लॉक के लिए दिया गया है, बाकी फिंगरप्रिंट सिर्फ मिल जाता है इसके अंदर में स्क्रीन लॉक में, तो पैटर्न ये सब आपको मिलेगा। ऑटो रिबूट दिया गया है, अगर आप अपने डिवाइस को अनलॉक नहीं करते तो इतने घंटे में जो भी टाइम सेट करोगे उतने घंटे में डिवाइस आपका रिबूट हो जाएगा। मोर सिक्योरिटी में जैसे कि देखोगे तो यहाँ पे जो है मैं डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल किया, बट ये वाइड फोल्ड इंक्रिप्टेड आता है। और पैटर्न साइज इसके अंदर नहीं मिलता है, बाकी सिर्फ फिंगरप्रिंट रहने वाला, फेस अनलॉक नहीं है। अभी फिलहाल फर्स्ट बिल्ड ऐसे एंड्रॉइड 13 का ही है इसका, आगे देखते हैं अगर आता है तो। बाकी फिंगरप्रिंट अच्छे से काम करता है, सेटिंग्स नॉर्मल ही रहेगी स्क्रीन लॉक की, ज़्यादा कुछ ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, ना ही गूगल के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। प्राइवेसी मिल जाता है इसके अंदर, लोकेशन के लिए सेफ्टी इमरजेंसी है। एंड फिर यहाँ पे नीचे सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो है लैंग्वेज इनपुट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे ऐप लैंग्वेज दिया गया जो कि एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। बटन की सेटिंग्स मिल जाती है, लेआउट अगर आप चेंज करना चाहो 3 बटन का तो भी है। एंड स्टेटस बार के लिए मिल जाएगा क्विक पुल डाउन, ट्रैफिक इंडिकेटर दिया गया इसके अंदर में तो ये मिल जाएगा। बट सिस्टम आइकन यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन है, लेकिन वोल्टी आइकन इसके अंदर देखने को नहीं मिलता, वोल्टी आइकन नहीं रहेगा। और जेस्चर में जाओगे तो क्विकली ओपन कैमरा मिलेगा। सिस्टम नेविगेशन की जो सेटिंग्स आती है इसके अंदर जेस्चर वाली, वो नॉर्मल ही रहती है। बैक सेंसिटिविटी सेटिंग्स है, 3 बटन यहाँ पे मिल जाता, बाकी इसका लेआउट चेंज करने के लिए बाहर जैसे कि बताया बटन वाले में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेंज कर पाओगे। तो ये भी नॉर्मल ही है। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन लेटेस्ट ही है। पावर मेन्यू और डिजिटल असिस्टेंट मिल जाता है इसके अंदर में, और रिंगिंग के लिए बाहर में है। और यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी मिल जाता है लास्ट में, जिसके अंदर आपको यहाँ पे बग रिपोर्ट के लिए दिया गया है, वाईफाई नॉन परसिस्टेंट्स भी दिया गया है, साथ साथ सेंसर ऑफ के लिए मिल जाता है। सेंसर ऑफ करना चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट ऑफ भी कर सकते हो सेंसर को डायरेक्ट। और मैं डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सिस्टम में चल के यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन चल के दिखाता हूँ। इसके अंदर जो डिस्प्ले कटआउट है वहाँ पे हमें हाइड नॉच मिलता है इसके अंदर में, हालांकि मिल जाता है बट किस तरीके से रहेगा, किस डिज़ाइन का, वो भी आप यहाँ पे देख लो। तो कुछ इस तरीके का हाइड नॉच जो है इसका रहने वाला है। ये चीज़ें हमें इसके अंदर मिल जाती है। अब बात करें इंटूटिव स्कोर के बारे में, तो 427,191 हमें देखने को मिल जाता है। और जो CPU थ्रोटलेट है वो इसके अंदर 92% तक देखने को मिल जाता है। एंड गीगबेंच स्कोर सिंगल में 497 है, मल्टी के अंदर 1965 तक जो है यहाँ पे देखने को हमें मिलने वाला है। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब इसका बूट एनिमेशन देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्लैक्स जो OS ROM है इसका, कुछ इस तरीके का बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा इसके अंदर में। और यहीं पे कुछ चीज़ें और आपको बता दूँ, जैसे कि आप बैकअप लेना चाहते हो तो यहाँ पे बैकअप के लिए भी दिया गया। ये जो कोड आपको देख रहे हो यहाँ पे 12 दिए गए, इन सबको इन वाले पे नेक्स्ट वाले पे डालना होगा। तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, इन पे डाल के वेरीफाई कर देना, उसके बाद आप बैकअप ले लेना। ये पूरी तरीके से इंक्रिप्टेड है, सिक्योर आपका पूरा बैकअप यहाँ पे रहने वाला है। तो ये चीज़ें भी आपको इसके अंदर दी गई हैं बैकअप के लिए भी, तो गूगल का कोई लेना देना ही यहाँ पे नहीं है। और कुछ चीज़ें और है यहाँ पे, जैसे कि आपको बता दूँ सबसे पहले तो आप किसी एप्लीकेशन को अगर हाइड करना चाहो तो ऐप इन्फो में जाना, सिंपली यहाँ पे हाइड के लिए दिया गया और हाइड कर देना इस तरीके से। अब वापस से अनहाइड करना है तो सिंपली आपको सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाने के बाद ऐप में जाना है और यहाँ पे सी ऑल जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जा करके सिंपली इस तरीके से हाइड ऐप पे जा सकते हो। तो इस तरीके से आपके हाइड एप्लीकेशन शो करेंगे, उनको आप अनहाइड भी कर पाओगे। तो इस तरीके से हाइड के लिए भी यहाँ पे दिया गया, एप्लीकेशन को आप हाइड कर पाओगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके कुछ इसके गेमिंग की अगर बात करूँ कुछ, हालांकि गेमिंग यहाँ पे मैं खेला नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे गूगल का सर्विस मैं यूज़ किया ही नहीं था, इसलिए गेम मैं यहाँ पे नहीं खेला हूँ। बट यहाँ पे आप अगर यूज़ करना चाहो तो या फिर ट्विटर या फिर किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप यूज़ करते हो, ट्विटर एप्लीकेशन या फेसबुक, तो वो ऐप इंस्टॉल करना होगा आपको, उसके अंदर आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, तब जाके आप BGMI इन सब पे एक्सेस कर पाओगे। बट गेमिंग की अगर फिर भी ऐसे अगर बात करें तो गेमिंग ख़राब बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं मिलने वाला, बैलेंस पे आपको ऐसे गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर देखने को मिल जाता है। बट मैं यहाँ पे जो है गेमिंग फ़िलहाल इसके अंदर खेला नहीं, BGMI इस बार इंस्टॉल तो था बट यहाँ पे ओपन किया नहीं, उसको एक्सेस भी नहीं किया था। बट उसके लिए आपको यहाँ पे ज़रूर ऐप जो है इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तभी आप एक्सेस भी कर पाओगे। तो फिलहाल इस रोम पे यही सारी चीज़ें थी, सिक्योरिटी मेन काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।